चंदौली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के बसारिकपुर मैरिज लान में पुरानी रंजिश को लेकर हमलावरों ने ग्राम प्रधान सहित कई लोगों पर हमला कर दिया है। दरअसल साहबगंज थाना क्षेत्र के परासी खुर्द निवासी रामू साव के पुत्र सौरव गुप्ता के साथ सिद्धराजा थाना क्षेत्र के बगही कुम्हापुर निवासी ब्रजेश गुप्ता उर्फ पप्पू के पुत्री मोनिका की शादी कल्याणी गुरुवार को बसारिकपुर स्थित जीत मैरिज लान में थी। बीती देर रात हमलावरों ने परासी खुर्द के ग्राम प्रधान बनारसी गुप्ता सहित बराती पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया, जिससे सभी को गंभीर चोटें आई हैं। घायल ग्राम प्रधान बनारसी गुप्ता ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर हमलावरों ने हमला किया है। वहीं ग्राम प्रधान ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में सदर CEO राजेश कुमार राय ने बताया कि घायलों के तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घटना की जाँच की जा रही है, जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी होगी। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। मैं बनारसी प्रसाद गुप्ता, ग्राम प्रधान परासी खुर्द। अभी यहाँ क्या हुआ है? यहाँ मामला हमारे घर के बड़े भाई के लड़का शादी था, हम लोग शादी में आए थे। गांव का एक जो है कि पुरानी रंजिश था जो राम मंदिर के लेकर और राम मंदिर के विवाद को लेकर जो है कि मामला चल रहा था, जो कि उसको मामला को शांत सुलह में करवाया था गाँव को जानकर, और उसी मैटर को वो सब जो है कि अपने ग्रुप के लोगों को बुलाकर, अखिलेश यादव नाम है, पिता का नाम बनारसी यादव, वो अपने रिश्तेदार को बुलाकर कम से कम 20 अज्ञात लोगों लेकर आकर यहाँ मैं खड़ा था लान के सामने, मेरा मोबाइल छीन ले गया और मारना शुरू कर दिया। और हम ही को नहीं मारा, उसके बाद कई लड़कों को मारना शुरू कर दिया, सब कई लोगों का सर फट गया है। और एक औरत जो है सरिता देवी हैं, उनको जो है सब छेड़छाड़ किए हैं, वो खुद बताएँ कि बयान में उनके साथ क्या हुआ है। और इसका सूचना पुलिस दिए, पुलिस आई है, और हम लोग चाहते हैं कि तत्काल उन अपराधियों को तत्काल जो है कि एक्शन लिया जाए, डायरेक्ट जो है कि उनको जो है पकड़ा दिया जाए, ताकि उन सबको हम लोगों को न्याय मिले।